हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी 100 टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। इसमें ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसमें हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इससे पहले किसी ने वो 8 प्रैक्टिस सेट ना देखा हो तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द सरोजिनी नायडू के थे, ठीक है फ्रेंड। इन्होंने कहा था, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा कोई धन विधेयक पास नहीं होता, तो राज्यपाल के, ठीक फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल, ठीक फ्रेंड्स। पाँचवा नंबर देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है, 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, सातवां नंबर, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये श्रीमती लीला सेठ थी। आठवां क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। दसवां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल एच जे कानिया, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में पूछे हुए ये क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये मैंने वहीं से उठाई है। बारहवां देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के स्थान पर प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 129 है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी, तो ये केशवानंद भारती केस है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, भारत में वैध पूर्व सत्ता किस में निहित है, तो संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ हमारा संविधान लचीला है और कुछ कठोर भी है, तो ये मिला जुला कॉम्बिनेशन है। बट जो भी है बहुत अच्छा है, बट जो फॉरेन कंट्री का संविधान है वहाँ वो एकदम स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू हमारा संविधान, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे संविधान में ये है, मान लो कोई लड़का है या कोई स्टूडेंट वगैरह है, तो उसकी अगर कैरियर बर्बाद ना हो जाए तो इसलिए थोड़ा ढील दे देते हैं, उस पर कम स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही क्राइम कर रहा है तो उसको सज़ा भी दी जाती है, बट अकॉर्डिंग टू द फॉरेन कंट्रीज़। बट वहाँ तो सबके लिए एक ही है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। तो हमारे लिए यहाँ थोड़ा लचीला भी है, थोड़ा वैसा भी है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान का जन्म हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। अध्यक्षता शासन का उदय सर्वोत्तम काम हुआ था, USA में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, तो ये 6 हैं। 20वां नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद 36-51 है और ये आयरलैंड से लिए हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब शुरू होती है, संसद का सत्र शुरू होने से पहले, ठीक फ्रेंड्स। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए, तो ये मोतीलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, तो 1936 में। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की, जवाहरलाल नेहरू, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी, तो क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 26, कानून के समक्ष समान संरक्षण बाकी कहां से लिया गया, तो ये USA से, ठीक फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, तो ये भी USA से ली गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। विधि के समक्ष क्षमता ये इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 30, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा, तो 1935 का अधिनियम, ठीक है फ्रेंड्स।
सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था पहले दिन। फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारतीय संविधान का को कब स्वीकार किया गया या कब अंगीकार किया गया या कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1949 को। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के रूप में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है, तो 65 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, उस उच्च न्यायालय में प्रथम महिला तो ये श्रीमती लीला सेठ थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो गया, यहाँ से देखते हैं। भारत का चलित न्यायालय किसकी देन है, तो ये APJ अब्दुल कलाम की है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम लागू हुई तो ये ब्रिटेन में हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो ये प्रधानमंत्री जी में है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल में के पद पर रहते हुए, 3। ठीक फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री का पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो ये उत्तर प्रदेश है। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है, तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र तो महाराष्ट्र का है। ठीक फ्रेंड्स, किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे कम है, तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। भारत की संचित नीति से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है, तो ये संसद का होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये कंट्रोल करती है जो भी धन वगैरह निकालते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, संसद का निम्न सदन को कौन सा है, तो लोकसभा राज्यसभा पर सदन है। ठीक फ्रेंड्स, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। 55 नंबर, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था, मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को। पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था। 57 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कोई सीमा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का संविधान अंगीकार किया गया था 26 जनवरी 1949 को। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी, 1985। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु था। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया, संविधान सभा का जो अधिनियम था 1935 का। 1 सेकंड फ्रेंड्स, क्या हो गया, आगे देखते फ्रेंड्स। चुनाव संबंधी, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं, उच्चतम न्यायालय में। प्रथम लोकसभा अयंगर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, GB मावलंकर थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लगा था। ठीक फ्रेंड्स, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यक्त नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था, 1955 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड, ये बार बार इसलिए रिपीट हो रहा क्वेश्चन, ये 3-4 बार हो गया रिपीट, क्योंकि ये 3-4 बार ही अलग अलग स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ पूछा था कि संविधान सबसे बड़ा स्रोत कौन सा, और यहाँ पूछा है सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा, तो ये इसी तरह घुमा घुमा के पूछते हैं, तो उसी तरह मैंने लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, ये मत सोचना कि रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हुआ है और अलग अलग हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ ऐड करके पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो आंसर सबका एक ही है। भारतीय संविधान, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई, कनाडा से। संवर्ती सूची तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तो ये रूस से लिए गए। राज्य में कलेक्टर का पद, जो IAS अधिकारी का पद होता है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 65। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड, ये 71 नंबर हो गया था कि राष्ट्रपति से लोकसभा को 85 आर्टिकल के तहत भंग कर सकता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है संसद में, तो उनको तारांकिक प्रश्न कहते हैं। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट के घोषणा सर्वप्रथम की थी, तो 1975 में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है, तो केवल राज्यसभा में।
किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान नहीं था? तो 1997 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट दायर की जाती। तो उच्चतम न्यायालय में किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में, बट अब है ये, ठीक फ्रेंड्स, पहले नहीं था, लेकिन अब 370 हटा दी गई है तो इसका क्वेश्चन आएगा कि पूरे इंडिया में लागू है, ठीक फ्रेंड्स, करेक्ट करेंगे इसको। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती? तो प्रधानमंत्री जी के पास, ठीक फ्रेंड। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता? तो प्रधानमंत्री। भारत में मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे? तो सरदार पटेल, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे जॉन मिथाई। क्या क्या राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, बन सकता है, हाँ, कोई डाउट नहीं है। 89 नंबर, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें नियुक्त होती है? तो राज्यपाल में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिन बाद तक लोकसभा तक लौटाया जाता है? तो ये 14 दिन, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 91, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो ये संसद है, ठीक फ्रेंड्स। ऊपर भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था। मान लो अगर कोई धन निकालना है संचित निधि से, तो उसमें संसद के पास जाना पड़ेगा, तभी हम कुछ निकाल सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स, सरकारी खजाने से। नेक्स्ट है 92, राज्यसभा के सभापति की अनुमति में राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है। राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनावों का अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो राज्यसभा की उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत पर, ठीक फ्रेंड्स। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर चुनाव बना सकती है, जो राज्यसभा में जितने भी मतलब सदस्य उपस्थित होंगे तो उनका 2/3 बहुमत पर, ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए। आगे देखते हैं 95, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 माह। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। आगे चलते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन कब से लागू की गई थी? 1976। और सेकंड लास्ट है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होना चाहिए वर्ष में? तो वर्ष में 2 बार, ठीक फ्रेंड्स। लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र लगनी चाहिए, यानी कि सभा लगनी चाहिए। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक फ्रेंड्स। अगर प्रधानमंत्री के मन में कुछ चल रहा है भंग करने के लिए, तो राष्ट्रपति को बोल देगा और राष्ट्रपति 1 सेकेंड नहीं लगाएगा, भंग कर देगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन। ये टॉप मोस्ट 100 सीरीज जो चलाई है मैंने प्रैक्टिस सेट की, उसका चैप्टर नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये देखिए कार्टून भी लगा दिया मैंने आपके लिए बना के, ठीक फ्रेंड्स। लाइक शेयर करेंगे और ऐसी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लगभग जो भी मास्टर वीडियो है ना, 500 क्वेश्चनों की, 1500 क्वेश्चनों की, वो मैं तैयार कर रहा हूँ। इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, जो 2-3 दिन से कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी प्रॉपर, बट फाइनली आई एम बैक ऑन ट्रैक, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में बहुत ही जल्द, ठीक है फ्रेंड्स।